बड़ी अपडेट, नोएडा में नैनीताल बैंक से फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा किया गया। बैंक का आरटीजीएस चैनल हैक करके 16 करोड़ की ठगी की गई थी। साथ ही साइबर क्राइम की टीम ने 25 लाख फ्रीज कराए। 45 खातों में जमा थे 25 लाख रुपए। पहले भी 1.5 करोड़ फ्रीज कर चुकी है साइबर क्राइम की टीम। कई खातों के एटीएम से भी निकाले गए पैसे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, साइबर ठगी के मामले में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां बताते चले कि नोएडा में ये ठगी की गई, नैनीताल बैंक से फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में ये जो बड़ी ठगी थी इसको अंजाम दिया गया था, नैनीताल बैंक से फ्रॉड किया गया था, करीब 16 करोड़ रुपए की ठगी थी। देखिए, नोएडा के सेक्टर 62 में नैनीताल बैंक है, इसका जो सर्वर है उसको यहाँ पे हैक किया गया और 16 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ से अलग अलग 70 खाते हैं उनमें यहाँ पे भेजा गया। बैंक के मैनेजर की तरफ से यहाँ पे शिकायत दी गई थी, जिसके बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस की तरफ से 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है उसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है, जो अलग अलग खातों से ऐसा था। वही 60 से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जो कि जिनमें ये पैसा था उनको फ्रीज किया गया है। कुछ बैंक को जानकारी मिली है कि पैसे को एटीएम से निकाला गया है, तो उन एटीएम के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर जो टीम लगाई गई है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर उनकी तलाश शुरू करे। फिलहाल जो जानकारी साइबर क्राइम थाने से मिली है उसके अनुसार अभी 25 लाख रुपए जो 45 खातों में था उसको भी यहाँ पे फ्रीज किया गया है। तो एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो साइबर फ्रॉड के खिलाफ यहाँ पे करनी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में जल्द ही आरोपियों की जब गिरफ्तारी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जो बैंक का मेन सर्वर था उसके अंदर कैसे इन्होंने सेंधमारी की, उसके बाद उसमें कैसे इन लोगों ने यहाँ पे उसके अंदर पैसे ट्रांसफर किए, या जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आगे बैंक के कितने लोग इसमें मिले हुए थे। फिलहाल साइबर क्राइम जो थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिव बहुत शुक्रिया आपका।